नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उड़ीसा के कटक में नेताजी सेवा संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन। यह बैठक कटक शांति कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र साहू की अध्यक्षता में कटक के बक्सी बाजार स्थित दीपशिखा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जुडिशियल एकेडमी चौक पर स्थापित करने तथा नेताजी की जयंती को राजकीय अवकाश घोषित कराने की मांग राज्य सरकार से करने की बात कही। इस अवसर पर नेताजी सेवा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र साहू ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर कटक के सभी 59 वार्डों में दिवाली मनाई जाएगी। वहीं सचिव विश्वनाथ दास ने 1,00,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध करने की बात कही। उपसभापति आशुतोष कुमार सिंह ने कटक के सभी वर्गों से आग्रह किया कि हम सब मिलकर नेताजी के जन्म स्थल कटक में आगामी 23 जनवरी को अनेकाएक कार्यक्रम कर नेताजी की जयंती को मनाएंगे तथा उनके योगदान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। इस बैठक में तेलुगु समाज, यादव समाज से प्रमुख प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे संवाददाता से खास बातचीत की एक रिपोर्ट। उड़ीसा स्टेट हेड सुधाकर कुमार शाही की रिपोर्ट। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं नेताजी सेवा संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। भारत के पुत्रों के जो हमारे महान पुत्र हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कटक के माटी में जन्मे हैं, वो हमारे स्वतंत्रता नायक के महानायक हैं। महानायक कहने का मतलब ये है कि हमारे अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इस प्रस्तुति बैठक में मैंने सभी का बात सुना। सभी की बात का मैं तार्किक अर्थ ये निकालता हूँ, काम करने का दो तरीका है, दिल और दिमाग। दिमाग से राजनीतिकरण होता है और दिल से सामाजिकरण होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का, अगर हमारे नेताजी का प्रतिमूर्ति अमर जवान ज्योति जो हमारा इंडिया गेट है वहां लग सकता है, तो क्या कटक के ज्योति अकादमी में हमारा प्रतिमूर्ति नहीं लग सकता है? हम प्रतिनिधित्व करेंगे, हम मुख्यमंत्री को नवीन पटनायक मानने को बोलेंगे कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर कटक की धरती पर जन्म लिए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो एक महापर्व होना चाहिए। पर्व नहीं है, महापर्व होना चाहिए। जिस तरह आपने कटक में हॉकी का आयोजन किया, उनकी भी एक प्रतिमूर्ति हो या जो भी हो उनका पोस्टर होना चाहिए था। चूंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ, ना बीजेडी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, अगर नेताजी सेवा संघ का काम करना है तो दिल से करो, क्योंकि दिल से सामाजिकरण होता है और दिमाग से राजनीतिकरण होता है। इतना बात करके मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम देवेंद्र नाथ साहू, मैं नेताजी सेवा संघ की उपदेष्टा और कटक महानगर शांति कमेटी का सभापति हूँ। आज क्यों सर मीटिंग क्यों बुलाया गया था? आज नेताजी सेवा संघ का अनुकूल्य में नेताजी का जयंती जो है 26 साल की, आज प्रसिद्ध बैठक था। इसमें बैठक में आलोचना हुआ, लेकिन हमारा कटक में जो बेलगू है जुडिशियल एकेडमी के पास में जी, वहाँ पर एक बड़ा स्टैचू नेताजी का होने के लिए आज आलोचना हुआ। इसके लिए सबका कटक सर जितना बुद्धिजीव है, सब ब्लॉक और उनका सब प्रेसिडेंट सेक्टर सबको मिला के हम कुछ दस्तखत करके माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे। कितने दिनों से लगे हुए इस काम के लिए? वही उनका एक बड़ा स्टैचू नेताजी का। कितने दिनों से लगे हुए इसका? ये अभी तो पिछला साल से ये कार्यक्रम चालू हुआ, अभी फिर इसको हम लोग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। ये स्टैचू एक बेलू जगह में होने से वो दिग्दर्शन देगा सारा विश्व को। लेकिन नेताजी ने बोले थे तो इतना महानायक ब्लॉड दीजिए, हम स्वाधीन देंगे। इसी सब जो ब्लॉड वार्ड बोले थे और उनका जो कर्तव्य था स्वाधीनता लाने के लिए, तो इसलिए आज आलोचना हुआ। पहले उनका स्टैचू कैसे स्थापित होगा बेलगू के पास में, इसलिए आज का ये बैठक। इस कार्यक्रम में सभी समाज के सभी तबके के लोग शामिल हैं। हाँ, सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग सभी लोग में जितना क्लब और अनुष्ठान है हम सबको इसमें शामिल करेंगे। सबका दस्तखत से हम लोग इसको हमारा माननीय मुख्यमंत्री पर गोटे सदस्य से विषय जदि मोर शुणा चाहते आज्ञा मुझे सामान्य सेवक ओडिशार माँ भौणी मानू धरी ओडिशार माँ भौणी एवं भाई मानू धरी मु कर्म आगे जावाक चाहती। दुई थर मुख्यमंत्री महोदय मो कथा शुणी
से दुईर तथा ब्रिजटीर नाम नामित कराई नेताजी ना मुख्यमंत्री को जनईली चालीस पचास हजार दर्शक सहित एवं सेकेंडरे जो स्कूल टी है से आपड़ मो सांगे थे बादामी एक करीस हजार दर्शक करूँ तृतीय टी बर्तन आम जितबू कौन पाइ जे कि कर्पोरेटर महोदय सत्यराम साहू पचीस नंबर वार्ड रायित्व ने जे जिते कर्पोरेटर भाई मैंने अच्छा से मानु दस्तखत कराइबे एवं लिचु फिचु जलवाई तेईस तारीख दिन सिद्धांत कर दायित्व ने बाबू बाबू अर्बन कम्युनिटी बैंक डायरेक्टर से सहित सहयोग करेंगे आमर बाबू भाई पोता पोखरी समर्पण पर सेक्रेटरी से दायित्व ने प्रत्येक संकीर्तन मंडली आमर बीरेन साहू अभय पैर लिखिकी देवे अभय हूँ कटक महाराजा एवं सक्रिय कर्मी जड़े से कर्मी आशीर्वाद ना कौन कर्म हो पारना आज ठार पंदर वर्ष नेताजी छुट्टी जुटी प्रतिजोगिता भी हमारा से भी आम भर आलोचना होता जहाँ आज बहुत खुशी लगुच समस्ते नेताजी सुंदर।